आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख के खा सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जीता और हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो बड़े साइज कच्चा आम को ऐसे रफली कट करके लिए हैं। अब चलिए गैस की तरफ एक कढ़ाई बिठाएंगे। अब इसी में एक टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद जो आम लिए थे उसे डाल देंगे और इसे दो मिनट तक भूनेंगे। इसे चारों तरफ से थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसी में हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे दो मिनट तक ऐसे ही भूनना है। अब हम एक से डेढ़ कप पानी डालेंगे। चटनी का थिकनेस जितना चाहिए आप उसी हिसाब से ही पानी दीजिए। मैं यहाँ पर डेढ़ कप ही पानी दे रही हूँ। अब इसी में हम शक्कर डालेंगे। शक्कर हम यहाँ पर आधा कप डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो और शक्कर के बदले गुड़ भी दे सकते हो। ये देखिए आम 50% कुक्ड हो चुका है। अब इसे साइड कर देंगे और एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। अब एक पैन को गर्म करेंगे। अब इसमें एक बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। अब इसमें थोड़े से जीरा, थोड़ी सी राई और कुछ मेथी दाना डालेंगे। अब थोड़ी सी बड़ी सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी भी डाल देंगे और एक बड़े चम्मच पिसा हुआ अदरक डालेंगे, कुछ कड़ी पत्ता और दो सूखी लाल मिर्च और इसे अच्छे से भुनेंगे। अब इसमें एक बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और जो आम को कुक करके रखे थे उसे डाल देंगे और एक बड़े चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर डालेंगे। सारे मसाले और आम को अच्छे से मिलाएंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 6 मिनट हो चुका है। ये देखिए चटनी का थिकनेस परफेक्ट है। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा टैंगी है, थोड़ा सा स्वीट है और स्पाइसी भी, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।